गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। तो आई होप सभी लोग अच्छे हैं, बेहतर हैं। गुड मॉर्निंग कंचन, आकांक्षा, निखिल, शिवानी, श्रुति, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। सो आई होप सभी लोग अच्छे हैं, बेहतर हैं। और आप लोगों का वो समय आ चुका है, यानी कि एग्ज़ाम का समय आ चुका है, जिसकी आप प्रिपरेशन काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। ओके, नहीं, आज का सेशन बहुत ही लाइट रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम बस बहुत ही अपने माइंड को लाइट करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा बस डिस्कस करेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जुड़ जाइए भाई फटाफट से, और सेशन को लाइक और शेयर भी करिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे एक ऐसे भी होंगे जो कि आज के दिन ट्रेवल कर रहे होंगे, क्योंकि कल उन लोगों का एग्जाम। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले तो वेलकम वेलकम टू द सेशन, और सेशन को लाइक शेयर भी कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। और साथ ही साथ इसमें एक जो लास्ट मिनट जो स्ट्रेटेजी प्लान है, उसको लेके भी एक यहाँ पे एक सेशन होगा, बहुत ही छोटा सा, ठीक है? तो उसको आप देखिएगा, तो ज्वाइन हो जाना उसमें आप लोग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन मैं लेके आया हूं हर बार की तरह। चलिए तो स्टार्ट करें, बताइए। हाँ, जितना भी आप लोगों ने पढ़ रखा उसको बस रिवाइज करते रहो, और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसा कि केसी सर बोलते हैं कि भाई सबसे पहले घबराओ मत, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? अगर डर लगता है तो उसको डाइवर्ट करो, माइंड को डाइवर्ट करो, म्यूजिक सुनो थोड़ा थोड़ी देर, लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि घबराने से क्या होगा, जितना आप लोगों ने आता है, जितना आप कर सकते हो, उतना भी परफॉर्म आप नहीं कर पाओगे फिर, ठीक है? तो सबसे पहले घबराना नहीं है, और चीजों को उस ऑर्डर में करना है जिस ऑर्डर में आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कॉन्फिडेंस हो, ठीक है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सेशन बिना किसी देरी के, क्योंकि जो समय है आपका बहुत ही कीमती है समय। ओके, ठीक। तो पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन मैंने लास्ट सेशन में आपको दिया था करने को, तो ये आपने किया होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन, जैसा कि कल आपने लोगों ने देखा होगा, केसी सर ने एक जनरल एप्टीट्यूड का सेशन लिया था, उसमें डाइस वाले क्वेश्चंस, डाइस वाले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा पूछे गए। मान के चलो डाइस से क्वेश्चन जरूर आएगा, आइदर फ्रॉम प्रोबेबिलिटी और ऐसी कोई रैंडम क्वेश्चन, ठीक है? तो देखो, एक क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, क्या बोल रहा है जरा इसको ध्यान से एक बार देख लें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए, सवाल ये था कि कंसिडर अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 5 यूनिट, यानी कि एक मेरे पास क्यूब है जिसकी साइड 5 यूनिट है। आफ्टर पेंटिंग इट इज कट इनटू क्यूब्स, यानी कि उसको पेंट करने के बाद मैंने क्या किया है, क्यूब्स में काट दिया, यानी कुछ इस तरह से, देखो कुछ इस तरह से उसकी एक फेस नजर आएगी, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4, 5, लाइक दिस। अब मैंने इसको पेंट कर दिया है, आफ्टर पेंटिंग इट इज कट इनटू क्यूब्स ऑफ 1 यूनिट, यानी कि 1 by 1 यूनिट के मैंने यहाँ पे क्यूब्स अलग अलग कर लिए। तो मुझको क्या बताना है, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम चोजन यूनिट क्यूब ओनली हैज ओनली वन साइड पेंटेड, यानी कि केवल और केवल एक साइड उसकी पेंट हो, वाले मुझे क्यूब्स बताने। अच्छा, ये वाला अगर मैं क्यूब देखूंगा, तो ये वाला जो क्यूब मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, 1 by 1 का जो क्यूब है,
उसकी ये वाली साइड फेस हो, ये वाली जो हमारी साइड है वो पेंटेड होगी, और इसके ऊपर वाली साइड ये पेंटेड होगी, यानी कि ये वाली टू साइड हमारी एक तरह से पेंटेड है, ये वाली भी और ऐसे ये वाली, और ये वाली साइड हमारी थ्री साइड पेंटेड है। बट वी हैव टू फाइंड आउट दोज फेसेस विच आर पेंटेड ओनली फ्रॉम वन साइड। एक साइड से जो पेंटेड है वो कौन कौन से होंगे, ये होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, यानी कि एक क्यूब के अंदर 6 फेसेस हैं, और हर एक फेस के अंदर 9 ऐसे क्यूब्स हैं जो कि एक साइड में पेंट होंगे। तो ऐसे ही 6 अगर फेस हैं देन इट विल बी 9 × 6 यानी कि 54, यानी कि 54 ऐसे क्यूब्स होंगे जो कि एक साइड से पेंट होंगे। और ऐसे कितने क्यूब्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स बताइए भाई। 5 × 5 यानी कि 25 क्यूब्स तो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, 25 दूसरी वाली रो में दिखेंगे, 25 तीसरी वाली, चौथी वाली, पांचवी वाली, यानी देयर विल बी 5 रोज एंड इन ईच रो देयर विल बी 25 क्यूब्स यानी कि 125। 125 में से 54 ऐसे क्यूब्स होंगे जो कि एक साइड से पेंट होंगे। तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन नंबर 4। तो मान के चलो भाई इस तरह के सवाल आपको देखने को हर हाल में मिलने वाला है, ऑप्शन नंबर 4 राइट। टेस्ट सीरीज 1 रुपीज, मतलब है कि जो हमारा जो टेस्ट सीरीज का जो प्राइस है वो 1 रुपीज हुआ, तो आप उसको अभी ले सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा सवाल था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, प्रीवियस ईयर का सवाल है और प्रोबेबिलिटी का। क्या कह रहा है देखो, कह रहा मल्टीपल चॉइस एग्जाम हैज 4 क्वेश्चंस ईच विद 4 आंसर चॉइसेस, एवरी क्वेश्चन हैज ओनली 1 करेक्ट आंसर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल आंसर करेक्ट बाय इंडिपेंडेंट रैंडम गेस फॉर ईच वन। क्वेश्चन समझ में आया? मान लो कि आपका कल एग्जाम है, उसमें 4 क्वेश्चंस हैं, देर आर 4 क्वेश्चंस, पर आपको उन चारों क्वेश्चन का, हालांकि आपको, मैं चाहूंगा कि उन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो, फॉर एग्जाम्पल सारे के सारे क्वेश्चन आपने कर लिए, केवल 4 ही एक ऐसे क्वेश्चन बचे जिसका आंसर आप लोग नहीं जानते हो। अब आपको करना क्या है, उन 4 क्वेश्चनों में आपको रैंडमली गैस करना है, हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है और चारों क्वेश्चन के सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमको बतानी है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन में हमको गैस वर्क करना है, किसी का भी आंसर हमको नहीं पता है, तो चारों आंसर्स करेक्ट हो जाए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी बताइए भाई, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं भाई एक क्वेश्चन है और उसमें 4 ऑप्शन है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ राइट आंसर, तो आप बोलोगे भाई एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन है, तो 4 में से 1 ऑप्शन तो सही होगा ना, तो जो मैंने चूज किया है आंसर उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो ऐसे ही 4 क्वेश्चन है, तो देर आर 4 क्वेश्चन, तो अगर मैं इंडिविजुअली देखूं हर एक क्वेश्चन में तो द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, बट अगर चारों अगर मुझे सही करने हैं, चारों के चारों क्वेश्चन अगर मुझे सही करने हैं, देन इट विल बी 1/4 × 1/4 × 1/4 × 1/4 यानी कि 1/4 की पावर। इज इट क्लियर? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे सवाल मिल जाते हैं। तो मान के चलिए प्रोबेबिलिटी से एक सवाल जरूर आएगा। हाँ जी, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। 4 क्वेश्चन है, चारों में 4 4 ऑप्शन है, और हर एक आंसर को आपको गेस करना है, यू डोंट नो द आंसर, तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल क्वेश्चंस आर करेक्ट, ऑल आंसर्स आर करेक्ट। ठीक है, सारे के सारे आंसर करेक्ट हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, दैट विल बी 1/4 to the power 4। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। काउंटिंग द फिगर्स एक क्वेश्चन जरूर आएगा, काउंट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द गिवन फिगर, यानी कि इस फिगर के अंदर आपको रेक्टेंगल्स फाइंड करने।
करिए भाई फटाफट से। हाँ अगर कभी भी रेक्टेंगल्स फाइंड करने को आपसे बोलता है ना, तो जो स्क्वायर वाले जो फिगर्स है वो भी काउंट हो जाते हैं, तो इस बात का ध्यान देना है आपके एग्जाम में, ठीक है। जो स्क्वायर वाले आपको फिगर्स दिख रहे हैं ये वाले, दीज फिगर्स, इसको भी आपको इसमें काउंट कर लेना है। जस्ट अ सेकेंड, टेल मी द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। ऑप्शन सी आ रहा है आंसर, सेकंड भी आ रहा है, वन भी आ रहा है, ओके। अलग अलग आंसर के बारे में जरा ध्यान से काउंट करिए, ओनली यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल, जिसमें स्क्वायर भी काउंट हो जाएंगे। अब जरा ध्यान से देखें, तो सबसे पहले तो इस फिगर को आप देख लो, सबसे पहले ये वाला फिगर, वन टू थ्री फोर, चार ये हो गए, ठीक है। पांचवा ये, छठा, छ और ये सात और ये आठ, आठ हो गए, और ये पूरा बड़ा वाला नौ। इस फिगर से तो नाइन रेक्टेंगल्स निकल के आ गए। अब इसको देखो, एक दो तीन चार पांच, ये तो इंडिविजुअल फिगर्स है, ठीक है, ये तो इंडिविजुअल फिगर्स है, पांच हो गए। उसका दो दो के कॉम्बिनेशन से बन रहे होंगे, एक दो दो, ये हो गए, दो इधर से बना लो, एक दो चार, थोड़ा ढंग से काउंट करना है, ठीक है। अब तीन तीन के कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है, जैसे कि ये हो गया पूरा, पूरा वाला तो काउंट किया ही नहीं, एक और ये दो, यानी कुल मिला के कितने हो गए, नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस। बीस कैसे हो गए भाई, कहीं पे कुछ गड़बड़ करिए, कहीं पे हमने कुछ कॉमन वाला भी दो बार ले लिया है, ओके। ये वाला जो फिगर, अच्छा ये वाला जो फिगर है, मैंने यहाँ पे दो बार काउंट कर लिया होगा, इधर से भी और इधर से भी, दैट्स वाई यहाँ पे एक जगह थोड़ा सा एक फिगर कम करो, देन द आंसर विल बी ओके। लेकिन वन टू थ्री हमने सही काउंट किया, भाई फिर से देख लो एक बार, वन टू थ्री ये तो टू हो जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव ये तो पाँच, ठीक है। उसके बाद वन टू थ्री फोर ये भी ठीक है, वन टू ठीक है ठीक है ठीक है, आंसर विल बी ट्वेंटी, नाइनटीन नहीं होगा ट्वेंटी ही, ठीक काउंट किया है, सही है। तो थोड़ा सा सही से काउंट करना है, पहले क्या करना है, इंडिविजुअल फिगर जो सिंगल सिंगल फिगर है उसको काउंट करना, फिर दो दो के यानी कि दो दो फिगर्स को लेके जो बन रहे कॉम्बिनेशन उसको काउंट करना, देन यू हैव टू काउंट थ्री थ्री कॉम्बिनेशन। तो अगर इस ऑर्डर वाइज अगर आप काउंट करते हो, कभी भी फिगर आपका मिस नहीं होगा, चांसेस नहीं होंगे गलत होने के। 20 आ रहा है, ठीक है, मुझे लगा मैंने ये कॉमन वाला फिर से काउंट कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं। ठीक है, तो काउंटिंग द फिगर्स से एक सवाल आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब बात करते हैं अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 20 विल इज द राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो मिनट का मैं समय दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल आपको मिल जाते हैं एग्जाम में, जहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, और ऐसा सवाल तो आपने बहुत बार किया भी होगा।
बताइए भाई। हाँ, मैपिंग का आज लास्ट डे है, क्योंकि कल आप लोगों का एग्जाम, क्योंकि लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स उनका कल एग्जाम है। क्वेश्चन समझ में आया क्या हो रहा है? कह रहा है मंकी क्लाइंब्स और 12 मीटर हाई स्लिपरी पिलर, एक पिलर पे 12 मीटर लंबे पिलर पे चढ़ता है। इन हिज फर्स्ट मिनट ही क्लाइंब्स 2 मीटर एंड इन द नेक्स्ट मिनट ही स्लिप्स 1 मीटर डाउन, यानी कि 2 मीटर ऊपर जाता है एक मिनट में और अगले एक मिनट में 1 मीटर नीचे आ जाता है। इन दिस वे हाउ मच टाइम विल ही टेक टू रीच द टॉप ऑफ द पिलर, पिलर में टॉप में अगर उसको चढ़ना है तो कितना समय उसको लग जाएगा? कर क्या रहा है, पहले 1 मिनट ऊपर चढ़ने में लगता है उसको 2 मीटर और 1 मिनट अगला वो 1 मीटर नीचे आ जाता है, यानी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, वो 2 मिनट में एक्चुअल में 1 ही मीटर ऊपर जा पा रहा है। ठीक है, हाँ, जनरल एप्टीट्यूड पार्ट ए आपका वो सेम रहता है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, चाहे आप मैथमेटिकल केमिकल फिजिकल लाइफ साइंस से हो, कोई दिक्कत नहीं। 21 मीटर्स, ओके। देखो इस तरह के सवालों को करना कैसे, ये एक स्लिपरी एक हमारा पिलर है, वो कर क्या रहा है, 1 मिनट में 2 मीटर ऊपर जा रहा है और अगले 1 मिनट में वो 1 मीटर नीचे आके फिसल जा रहा है, यानी कि एक्चुअल में हर दो मिनट में 1 मीटर ऊपर जा पा रहा है। अगर यहाँ पे कहीं पे मैं बनाता हूँ भाई ऐसे 10 मीटर का साइन बनाता हूँ, 8 मीटर का, फिर 6 मीटर का, इस तरह से, तो 10 मीटर का मैं आपसे पूछूं, पहले मैं पूछूं भाई 10 मीटर तक उसको पहुंचने में कितना समय लग जाएगा, 10 मीटर तक पहुंचने में कितना समय लग जाएगा, आप बोलोगे भाई हर एक मीटर चढ़ने में उसको 2 मिनट का समय लग रहा है, क्योंकि 1 मिनट ऊपर जाने में 2 मीटर, फिर 1 मिनट नीचे आने में 1 मीटर, यानी कि ओवरऑल 10 मीटर ऊपर जाने के लिए उसको समय लगेगा 20 मिनट का। तो जैसे ही ये 10 मीटर पे पहुंच जाएगा तो अगले 1 मिनट में फिर 2 मीटर ऊपर भी जाएगा, अगले 1 मिनट में 2 मीटर ऊपर जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा फिर नीचे थोड़ी आएगा, क्योंकि ऊपर तो पहुंच चुका है, अब वो नीचे आने की सवाल ही नहीं है, यानी कि केवल 1 ही मिनट और लगेगा, तो द टोटल टाइम विल बी 21 मिनट। आ गया ना, बिल्कुल, पहले 20 मिनट के समय में वो 10 मीटर का लेंथ चढ़ेगा, 10 मीटर के बाद सीधे वो 2 मीटर आगे जाएगा, यानी कि 12 मीटर टोटल उसने कवर कर लिया, अब वो नीचे नहीं आएगा। तो हम यही बताना है कि जो पिलर पे वो कितने समय पे पहुंचा। ठीक, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। आज सेशन ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि आज आप लोग खुद का रिवीजन आप लोग करो जितना भी आपको करना है। चलिए एक सवाल है सिलॉक से भी, सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, इससे सवाल आ सकते हैं। तो ये जो मेन मेन टॉपिक्स जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको देख लेना, इनसे सवाल जरूर बनते हैं। तो कम से कम 10 क्वेश्चंस इन टॉपिक से आपके बन जाएंगे और बाकी के 5 क्वेश्चंस बाकी के टॉपिक्स। ठीक है, करिए इसको। यू हैव 2 स्टेटमेंट्स एंड यू हैव 4 कंक्लूजन्स। अब इसमें से बताना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, 1, 2, 4, 1, 3, 4 या 2, 3, 4 या सारे के सारे फॉलो।
ऑप्शन नंबर ए ओके, यानी कि 1, 2 एंड 4 विल फॉलो। ठीक है, अब देखिए सवाल कह रहा है ऑल बैग्स आर चौक, ऑल बैग्स आर चौक, सारे के सारे बैग क्या है, चौक है। ऑल चॉक्स आर बॉटल, सारे की सारी चौक थे हमारी वो क्या है, बॉटल। ठीक है, कंफ्यूजन क्या कह रहा है, सम बॉटल आर बैग, कुछ जो बॉटल का पार्ट है वो बैग का पार्ट है, बिल्कुल है भाई, कुछ बॉटल का पार्ट, कुछ सम सम है, यानी कि ठीक है, पहला तो ठीक है, तो यानी कि ए वाला ऑप्शन बी वाला ऑप्शन हो सकता है। ऑल बैग्स आर बॉटल, सारे के सारे जो बैग हैं वो क्या है, बॉटल का पार्ट है भाई, ये भी ठीक है, सारे के सारे बैग किसके अंदर है, बॉटल के अंदर ही तो है। ऑल बॉटल आर बैग, सारे के सारे जो बॉटल है वो बैग के अंदर है, नहीं, ये वाली जो बॉटल है ये बैग के अंदर नहीं है, यानी कि ये रॉन्ग है। 1, 2 ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर फिर क्या हो सकता है, 1, 2 एंड 4 ही हो सकता है। क्यों क्यों भाई, क्योंकि अगर थर्ड गलत है तो ये गलत, फिर ये गलत, अगर एक भी गलत हो गया तो सारे के सारे फॉलो तो वैसे नहीं करेंगे, यानी कि फिर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आप लोग रीजनिंग वाला पार्ट छोड़ के मत आना, वो बहुत ही आसान होता है, उसमें कैलकुलेशन भी नहीं करना होता, उसमें कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ता है, इसलिए आप रीजनिंग वाला पार्ट जरूर करते हैं। ठीक है, हाँ इजी है, बिल्कुल इजी है, हमारा जो ब्लॉक्स है बहुत ही इजी। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक इस तरह का क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको, मल्टीपल वैकेंट सीरीज वाला। ठीक है, इसमें एक से ज्यादा आपको वैकेंट प्लेसेस दिखेंगे, बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, करिए इसको जरा। ऑप्शन नंबर 2 ओके, तो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 2 पे जा रहे हो। देखो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, करना क्या होता है आपको, जो दो दो अल्फाबेट्स आपको एक साथ दिखते हैं, जो एक पेयर दिख रहा है आपको उसको पकड़ के चलो, देखो जरा क्या लिखा है, AZ लिखा है। यहाँ पे भी जेड है, क्या यहाँ पे मैं ए लिख सकता हूँ क्या, लेट्स से यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, अब यहाँ पे जेड एक्स है, यानी कि जहां जहां जेड है उसके साथ क्या आ रहा है, जेड एक्स, तो जेड है तो यहाँ पे एक्स लिख दो। ठीक है, और जेड एक्स एक छोड़ के सी, जेड एक्स एक छोड़ के ए, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ए बी सी इस तरह से आपके अल्टरनेट बन गए, यानी कि ध्यान से देखोगे तो फिर इसका मतलब यहाँ पे वाई होना चाहिए, वाई एक्स ए जेड, उसके बाद देखो वाई एक्स ए जेड, उसके बाद एक्स वाई, फिर यहाँ पे ए है यहाँ पे जेड है, ये भी ठीक है,
उसके बाद एक्स वाई, यहाँ पे सी आ रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ जरूर है, यानी कि एक्स वाई ए जेड, एक्स वाई ए जेड, एक्स वाई सी जेड, यानी कि यहाँ पे अगर सी है तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, क्योंकि ए बी और ये सी। ऑप्शन नंबर देखो, एक्स पहले तो वाई आ रहा है, ठीक है, उसके बाद एक्स आ रहा है, उसके बाद बी आ रहा है, उसके बाद वाई आ रहा है, उसके बाद जेड आ रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रही बात? तो यानी कि जो पेयर्स हैं आपको ये वाले जेड एक्स वाला और ए जेड वाला, ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन आंसर करने, ठीक है, ऐसा ही पैटर्न आपको मैंने एक बताया था पहले भी। ऑप्शन नंबर टू राइट। फिर भी दिक्कत होती है ऐसे तो एक एक करके ऑप्शन में उसको रख लो और आपको पैटर्न सीरीज वैसे ही दिख जाएगा, ठीक है। तो मल्टीपल वैकेंट जो सीरीज है इस तरह से पूछी जा सकती है, क्योंकि पैटर्न हर साल वो चेंज कर देता है, अगर सीरीज से कोई क्वेश्चन आता है तो कभी ट्विन सीरीज पूछ लेता है, कभी मल्टीपल वैकेंट पूछ लेता है, कभी रॉन्ग नंबर पूछ लेता है कि भाई सारे के सारे नंबर्स आपको दे दिए, इन सभी नंबरों में से रॉन्ग कौन सा, बिल्कुल ए बी सी आएगा ना इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल ये रहा, दिस इज फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस, क्या क्वेश्चन कह रहा है देखिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेंसिल इज रुपीज 8 लेस देन द पेन, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है इसका पेंसिल का वो 8 रुपीज लेस है पेंसिल, लेट से द पेन का जो वैल्यू है एक्स है, पेंसिल का जो वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी एक्स माइनस 8, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पेंसिल का 8 रुपए कम है, 20 रुपीज ए, ओके। चलिए, व्हेन द पेन इज सोल्ड एट 50% प्रॉफिट, कह रहा है जब पेन को 50% प्रॉफिट पे जब मैंने बेचा, पेन को अगर मैं, दिस इज सीपी एंड दिस इज एसपी, कह रहा है पेन को अगर मैंने 50% प्रॉफिट पे बेचा, अगर एक्स पे 50% मुझको प्रॉफिट होगा, देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस विल बी 150% ऑफ दिस वैल्यू एक्स, यानी एक तरह से कितना हो जाएगा इसका 1.5 गुना हो जाएगा, 1.5 टाइम्स, क्योंकि 50% प्रॉफिट हो रहा है। एंड पेंसिल इज सोल्ड एट 150% प्रॉफिट, पेंसिल पे 150% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 50% का, यहाँ पे 150%, अगर 150% का प्रॉफिट होगा तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, दैट विल बी 250%, 250% हो जाएगा, यानी कि एक तरह से कितना 2.5 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एट, ये 2.5 गुना हो जाएगा और ये 1.5 गुना हो जाएगा, बात समझ में आती है। ऐसा करने पे कह रहा है दोनों का जो सेलिंग प्राइस है, ऐसा करने पे दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर हो जाता है। बहुत ही आसान सवाल है, अगर समझ में आ गया तो एक ही बार में क्वेश्चन बन जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पॉइंट्स को हटा दें एकदम दोनों तरफ से। तो दिस विल बी 2x, दैट विल बी इक्वल टू 40,
एक्स का वैल्यू कितना आ गया 20। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन दैट विल बी 20 रुपीज। तो ऐसे सस्ते से सवाल एग्जाम में आपके आने के चांसेस हैं, समझ आया। पेन की जो कीमत है और जो पेंसिल की जो कीमत है उसके बारे में बता रहा है कि पेन से 8 रुपए कम है, तो पेंसिल पे 150% का प्रॉफिट, पेन पे 50% का प्रॉफिट करने के बाद दोनों का जो सेलिंग प्राइस है बराबर बन जाता है। तो उसको बराबर रख के एक्स का वैल्यू हम निकाल सकते हैं इसे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ये सवाल रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, करिए इसको जरा और बताइए। ऑप्शन नंबर टू, ओके। देखिए हमसे कह रहा था कंटेंट्स ऑफ टू वेसल कंटेनिंग वाटर एंड मिल्क, यानी कि एक हमारे पास दो वेसल हैं और दोनों वेसल के अंदर कुछ वाटर है और कुछ यहाँ पे मिल्क है। आर इन द रेशियो ऑफ 1:2 एंड 2:5, दिस इज वाटर एंड दिस इज मिल्क, वेसल ए एंड वेसल बी। पहले वेसल के अंदर जो वाटर और मिल्क का रेशियो है दैट इज 1:2, सेकेंड वेसल के अंदर जो रेशियो है दैट इज 2:5, ठीक है। आर मिक्स इन द रेशियो 1:4, यानी कि इसका मान लेता हूं मैं 1 लीटर और इसका 4 लीटर, इस रेशियो में हमको मिलाना है। ए वाले वेसल से मुझे 1 लीटर ले लेना है, बी वाले वेसल से मुझे 4 लीटर लेके उसके साथ मिक्स कर देना, फिर बताना जो हमारे पास जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसमें वाटर और मिल्क का क्या रेशियो है। वी हैव टू फाइंड द रेशियो, बहुत आसान है। एक काम करते हैं, पहले इसको बराबर कर लेते हैं, कहते हैं भाई 1 लीटर इसका है, 2 लीटर इसका है, कुल मिला के देर आर 3 लीटर मिक्सचर ए एंड मिक्सचर बी इज 7 लीटर। तो इन दोनों का जो क्वांटिटी है, सबसे पहले क्वांटिटी को बराबर बना लेते हैं, ठीक है। कैसे बराबर करें भाई, 7 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दूं और 3 से मल्टीप्लाई नीचे कर दूं, तो क्या मिलेगा 7 into 1, 7 into 2, 7:14 ए वेसल के लिए, और बी वेसल के लिए 3 into 2, 6, और 5 into 3, 15। इसकी जो क्वांटिटी कितनी हो गई 21, ये कितनी हो गई 21, क्वांटिटी को इक्वल कर लिया। एक बार जब क्वांटिटी बराबर हो गई उसको हमें 1:4 में डिवाइड करना है, यानी कि भाई इसका 1 लीटर लूंगा इंटू 1 कर दो और इसका 4 लीटर लूंगा। अगर 1 लीटर इसका लिया गया तो सेम रहेगा 7:14, इसका 4 लीटर लूंगा तो दिस विल बी 6 into 4, 50 into 4, यानी कि दिस विल बी 60। अब सभी को प्लस कर दो, वाटर को वाटर से प्लस कर दो, मिल्क को मिल्क से, this will be 31 and this will be 60, 70 and 74. Like 31:74 will be our final ratio, option number B, ठीक है।
तो इस तरह से पहले क्वांटिटी को बराबर कर लेना है, उसके बाद जिस रेशियो में हमको डिवाइड करना है उस रेशियो से हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, और उसके बाद लास्ट में प्लस कर दो, वाटर को वाटर की साइड, मिल्क को मिल्क की साइड, यू विल गेट द फाइनल रेशियो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये भी रेशियो का क्वेश्चन है, रेशियो। कह रहे इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस का भी कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। बिल्कुल इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, पर आए भी हैं। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है? देखो, द प्राइस ऑफ सिल्वर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, यानी कि जो सिल्वर है उसका प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, यानी कि अगर मैं उसके वेट का स्क्वायर कर दूंगा ना, तो वो हमें प्राइस की जो वैल्यू है, यानी कि जो प्राइस है उसका, हमको एक्चुअल वैल्यू बता देगा। A person broke down the gold in the ratio of 3:2:1. यानी कि एक पर्सन ने गोल्ड को इतने रेशियो में क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। ये दिस इज नॉट एक्चुअली गोल्ड सिल्वर, दिस इज गोल्ड। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे गोल्ड कह रहा है, कहीं पे सिल्वर कह रहा है, इसको हटा के सिल्वर कर दो। ठीक है, फिर सिल्वर के लिए क्वेश्चन है। तो दिस इज द वेट, मान लेता हूं 3, 4, 5, 6 किलो का, 6 kg का मेरे पास यहाँ पे एक सिल्वर का पीस है, एक 6 kg का सिल्वर का पीस है। उसको मैंने 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, किस किस हिस्से में? 3 किलो, 2 किलो और 1 किलो, यानी कि इस रेशियो में मैंने उसको ब्रेक कर दिया। और सवाल हमसे कह रहा है जो प्राइस है, प्राइस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेट, यानी कि वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसका प्राइस, यानी कुछ इस तरह से। तो ये तो वेट है, इस वेट का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, अब ये जो रेशियो है, ये रेशियो इसके प्राइस का है, यानी कि जो 3 किलो का सिल्वर है उसका प्राइस 9 है, और 2 किलो का सिल्वर उसका प्राइस 4 है, 1 किलो का जो सिल्वर उसका प्राइस 1 है। एक्चुअल में कितना था उसका वेट? सब मिला के उसका वेट था 6 किलो। 6 का स्क्वायर करता हूं तो जो इसका एक्चुअल वैल्यू है, जो इसका जो एक्चुअल प्राइस था, दैट इज 36। सवाल ये है, फेसेस अ लॉस ऑफ ₹4,730, उसको क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है अगर वो 6 किलो के सिल्वर को
तीन अलग अलग पार्ट में अगर बांट देता है, तोड़ देता है, तो उसको लॉस होता है कितने का? 4730 रुपए का। तो क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द इनिशियल प्राइस ऑफ द सिल्वर, यानी कि इसका वैल्यू हमको बताना, 36 का वैल्यू बताना है अगर उसको लॉस इतने का होता है। तो व्हाट इज द लॉस? देखो टोटल जो वैल्यू है दैट इज 9 + 1 यानी कि 10, 10 और 4, 14। उसकी जो एक्चुअल करेंट वैल्यू है आफ्टर ब्रेकिंग दैट इज 14, और जिसकी इनिशियल वैल्यू थी दैट इज 36। तो 36 और 14 इसके बीच का जो डिफरेंस होगा, व्हाट इज द डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? दैट विल बी 22। इस 22 की जो इक्विवेलेंट वैल्यू है यही तो लॉस होगा, 36 का था अब उसका वैल्यू 14 हो गया, 22 का वैल्यू कितना हो गया? 4730। दिस इज द लॉस। अगर 22 का मतलब इतना है तो 1 का मतलब इतना। तो किसका मतलब पूछ रहा है? इनिशियल प्राइस पूछ रहा है। व्हाट इज द इनिशियल प्राइस? इनिशियल प्राइस इज 36। इनिशियल प्राइस इज 36। करिए इसको जरा 11 से 2 टाइम्स, 11 से 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 0 एंड दिस विल बी 2 टाइम, यानी कि 18। This is the initial price of that silver. समझ में आया? तो loss हमने कैसे निकाला? ये जो initial value था और जो final value, उसके बीच का जो difference है ना, वही तो loss होगा, जो कि हमको दे रखा है। ऐसा question आया था previous year में इस तरह का, ये नहीं था लेकिन इस जैसा ही। ठीक है, ओके। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और उससे भी आसान होना चाहिए इसका तरीका, किस तरह से हम इसको करें। हमको ए रेशियो बी दे रखा है, बी रेशियो सी दे रखा है, सी रेशियो डी दे रखा है। हमसे क्या पूछा है? ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या हो? ऑप्शन नंबर 2, ओके। हमको क्या कह रहा है? कह रहा है भाई ए रेशियो बी दैट इज 2:3, बी रेशियो सी कितना दे रखा है? 4:5, सी रेशियो डी दैट इज 6:7, ए बी का रेशियो 2:3, बी सी का रेशियो 4:5, सी डी का रेशियो 6:7। अल्टरनेट मेथड लगेगा यहां पर, ओके। चलिए अब देखो ए रेशियो बी रेशियो सी
रेशियो डी, मैंने इसको एक ही लाइन में लिख दिया इस तरह से। इसको करने का जो बेस्ट तरीका वो ये है कि पहले भाई इस तरह से लिख दो, ए बी के नीचे ए बी, बी सी के नीचे बी सी, और सी डी के नीचे सी डी। अब करना क्या है, सी और डी यहाँ पे दो प्लेस वैकेंट है, और यहाँ पे सबसे राइट मोस्ट, व्हाट इज द राइट मोस्ट वैल्यू, सबसे राइट में क्या लिखा भाई, थ्री लिखा है, तो थ्री को यहाँ भी लिख दो और थ्री को यहाँ भी लिख दो। अब सबसे नीचे आ जाओ, यहाँ पे लिखा है 6:7, एक प्लेस यहाँ पे वैकेंट है, एक प्लेस यहाँ पे वैकेंट है, यानी कि यहाँ पे जो लेफ्ट मोस्ट वैल्यू क्या है, 6 है, तो यहाँ पे भी 6 लिख दो, यहाँ पे भी 6 लिख दो। यहाँ पे क्या लिखा है, 4, तो इसके लेफ्ट में एक प्लेस वैकेंट है, तो एक प्लेस वैकेंट है तो यहाँ पे 4 लिख दो, यहाँ पे राइट में एक प्लेस वैकेंट है तो यहाँ पे 5 लिख दो। जो यहाँ पे लिखा है उसको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखा है उसको यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे दोनों जगह कुछ नहीं है तो यहाँ पे दोनों जगह सेम चीज लिखनी है, लाइक दिस। अब करना क्या है, मल्टीप्लाई कर दो इन सारे नंबर्स को, 2 × 4 × 6 कितना हो जाएगा, 48, 3 × 4, 12 × 6, 72, 15 × 6, 90, 15 × 7, 185। लेकिन आंसर तो दिख नहीं रहा है, आंसर दिखेगा भी कैसे, क्योंकि अभी ये और फर्दर कैंसिल आउट हो जाएगा, किससे कैंसिल हो सकता है, 3 से कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, 16। यानी कि 16, 24, 30, 35 ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से कभी भी सवाल पूछेगा ना, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी, और पूछेगा बताइए व्हाट विल बी ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, तो ये बेस्ट मेथड है इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो लास्ट में जो भी आपका टर्म बनेगा रेशियो में उसको और सिंप्लीफाई करिए, जब तक वो सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में ना चेंज हो जाए तब तक उसको कैंसिल आउट करते रहिए, और ऑप्शन को भी देखते रहें। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही आसान मेथड है। एक क्वेश्चन में और बता दूं इस तरह का, देखो अगर दे रखा है आपको ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, जैसे दे रखा है 2:3, दे रखा है 7:4, ऐसे मान लो, ठीक है, आपको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो क्या करोगे, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, ए बी का रेशियो कितना है, 2:3 है, बी सी का रेशियो कितना है, 7:4, इसको यहां पे लिखो, 3 के इधर वैकेंट है प्लेस तो यहाँ पे 3 लिखो, 7 के इधर 7 लिखो, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 4 × 3 = 12, ये फर्दर कैंसिल आउट होगा क्या, नहीं होगा, यानी कि दिस विल बी योर फाइनल रेशियो, ठीक है। तो रेशियो को इस तरह से जोड़ना है हमको, चलिए तो ये था हमारा रेशियो बेस्ड क्वेश्चन, तो बस यही है आज का हमारा सेशन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में कल बनने वाले हैं, अगर आपका कल एग्जाम है, ठीक है। तो जितने भी हमने क्वेश्चंस करे हैं एग्जाम मैपिंग सीरीज में, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन तो थे ही थे, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, क्योंकि तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो करके चला जाएगा लास्ट के कम से कम 6-7 सालों के, तो बिलीव मी क्वेश्चन पेपर में बहुत ही आसान, आपको ऐसा लगेगा कि जो क्वेश्चन मैं पढ़ के आया हूँ वही क्वेश्चन आ गए, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं, अगर सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा तो उसके जैसा पैटर्न रिपीट जरूर करेगा। तो बस इतना ही, काउंटिंग द फिगर्स एक सवाल आएगा, प्रोबेबिलिटी सवाल आएगा पहले ही बता दे रहा हूँ, और इस तरह का एक पजल बेस्ड क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन आ जाएगा, और साथ ही साथ वेन डायग्राम से आ सकता है क्वेश्चन, एक तो प्रॉफिट लॉस पे रखा हुआ है वो तो, ठीक है। बाकी हो गया हमारा नंबर सिस्टम, तो ये सब चीजें एक बार ऊपर ऊपर से आप लोग फॉर्मूले फिर से रिवाइज कर लेना, क्योंकि बहुत बार फॉर्मूले आपको हेल्प करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे क्लॉक वाला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आएगा, अगर आया क्लॉक से क्वेश्चन तो वो क्वेश्चन जरूर आएगा, ये मान के चलो,
कैलेंडर से क्वेश्चन आया तो कोई डेट आपसे पूछ लेगा, ठीक है? तो गाइज विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से करके आना। एक स्ट्रेटेजी वीडियो यानी लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी वीडियो मैंने बनाया है, उसको देख लेना, अभी कुछ देर बाद वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है? तो विश यू ऑल द बेस्ट और अच्छे से करिए और टेंशन नहीं लेनी, जैसे केसी सर बोलते हैं कि टेंशन नहीं लेनी है, यानी पहला ये कि मुस्कुराते रहो। कल एक मैम ने एक पोयम यहाँ पे बहुत ही अच्छी पोयम यहाँ पे पोस्ट करी है, आप उसको जाकर देखना अगर आपने नहीं देखा, ठीक है? तो बाकी हम लोग इसका जो डिस्कशन है पेपर डिस्कशन है वो करेंगे जरूर, तो आप लोग अच्छे से पेपर देना। और पार्ट ए, पार्ट ए में कम से कम 15-20 मिनट से ज्यादा मत देना, ठीक है? तो मेरे मानना ये है कि 15-20 मिनट से पार्ट ए में ज्यादा, उससे ज्यादा ना दें, बाकी के पार्ट्स में आप लोग ध्यान दें, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट अगेन। थैंक यू मूर्तिका, मुझे अच्छा लगता है स्टूडेंट्स को अगर समझ में आता है बराबर। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।